पुरानी भर्ती थी ये जो भर्ती का फिजिकल अब स्टार्ट हुआ, काफ़ी पुरानी भर्ती हो गई, फॉर्म भरे हुए काफ़ी दिन हो गया। तो अभी क्या हुआ है कि जो बच्चों का था वो कहीं कहीं सिलेक्शन हो गया है, इसलिए जो उपस्थिति है, जैसे मान लीजिए 100 बच्चों को जहां बुलाया जा रहा है वहां पे आपके 60 65 70 इस तरीके से पहुंच रहे हैं। लगभग 65% एवरेज मान के चलिएगा, 70% मान लीजिएगा, 70% लड़के पहुंच रहे हैं, बाकी पहुंच ही नहीं रहे, मतलब वो किसी कारण से नहीं आ रहे हैं। अभी की जो चल रही है एक दो दिन में जो ये आई है स्थित उसका बता रहा हूँ। बाकी इतनी पुरानी भर्ती थी, किसी की तैयारी नहीं थी। अगर आपकी हाइट और चेस्ट कंप्लीट है तो आप रनिंग में अच्छे से मेहनत करके निकाल लीजिए, क्योंकि जो फेल होने वाले हैं, जो भी कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं, वो रनिंग में ही ज़्यादातर फेल हो रहे हैं। जिनकी हाइट है, जिनका चेस्ट है, वो लगभग फिट हो जा रहे हैं। हाइट चेस्ट में उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है जितना आपका रनिंग में दिक्कत हो रही है। रनिंग में बहुत ज़्यादा लड़के बाहर हो रहे हैं। रही बात आपकी ग्रुप की, तो ग्रुप बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं बनाया जा रहा, 50 लोग और 100 लोग। एक सेंटर पे बात किया वहाँ पे बताया कि 50 लड़के, एक सेंटर पे बात किया वहाँ पे 70 लड़कों का ग्रुप बनाया जा रहा है। बहुत ज़्यादा ग्रुप नहीं बनाया जा रहा, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आप पास वही हो रहे हैं जो कभी रुक नहीं रहे हैं। जो रुक जा रहे हैं, अगर वो शायद रुके ना तो पास हो जाए, लेकिन रुकने वाले कैंडिडेट निश्चित ही फेल हो जाएंगे। तो आप लोग की रनिंग कितने में है ये मायने नहीं रखता है, आप लोग जाइए फिजिकल में। अगर आपका हाइट चेस्ट है तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, रनिंग में रुकिएगा मत, आप निश्चित ही पास हो जाएंगे। इंट्री के समय आपका आधार कार्ड प्रवेश पत्र चेक हो रहा है और आपके पास फोटो होना चाहिए। उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट आपके उसमें एडमिट कार्ड में दिए गए हैं, उसके अलावा आपके पास कुछ भी ना हो तब भी चल जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया लाइक कर दीजिए। मिलता हूँ नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।